चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस न्यूज के प्रायोजक है आरोग्य हॉस्पिटल डाल चौराहा उदयपुर रोड सलूम्बर। मावली थाना क्षेत्र में मासूम पूजा भील की निर्मम हत्या के बाद मंगलवार को क्षेत्र के विभिन्न संगठनों ने प्रमुख मांगों के साथ मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार पर्वत सिंह को ज्ञापन सौंपा। संगठनों ने ज्ञापन में मासूम बच्ची की निर्मम हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा देने, लोपोहा स्कूल का नाम पूजा भील राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करने एवं परिवार को नियमानुसार आर्थिक सहायता देने की मांग रखी तथा भील समाज द्वारा कहा कि 14 मई से पूर्व मृतका के परिजनों को न्याय नहीं मिला तो विशाल प्रदर्शन किया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। इस दौरान मावली व्यापार मंडल श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मेवाड़ भील समाज के पदाधिकारी एवं सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। प्रताप संस्थान फतेहनगढ़ से मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं और राजपूत समाज हमेशा जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है उसके साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। राजपूत समाज हमेशा 36 कौम को साथ लेकर चलता है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है कि ऐसे कृत्य करने वाले को फांसी की सज़ा दी जाए और जिस विद्यालय में वो बालिका पढ़ती थी उस विद्यालय का नामकरण पूजा भील के नाम से हो और उस परिवार को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता मिले, क्योंकि परिवार वास्तव में है, बहुत ही गरीब है। हम जाकर आए हैं, देख के आए, बहुत ही गरीब स्थिति में है। इस जो दुखद घटना की हम गौर निंदा करते हैं। जो ये नन्ही बच्ची के साथ जो बला दुष्कर्म करके उसकी जो हत्या की गई है उसके व्यापार मंडल मावली कड़ी निंदा करता है और दोषी को फांसी की इससे कम सजा नहीं दी जाए और जो भी आश्रित परिवार को है उसको उचित मुआवजा दे के एक नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, यही व्यापार मंडल मावली मांग करता है। इसको लेके आज हम सदर बाजार मावली से सभी व्यापारी इकट्ठा होकर SDM कार्यालय तक धरना दिया है। मार्केट में एक सिलसिला चल रहा है कि जो व्यक्ति था वो राजपूत था। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, वो किसी भी समाज का हो, चाहे राजपूत हो चाहे किसी भी अन्य कौम का हो, और राजपूत हमेशा हमेशा क्षत्रिय हमेशा हर 36 कौम के साथ खड़ा है और आगे भी रहेगा। और 36 कौम हमारी है, क्षत्रिय हमेशा रक्षा के लिए बना है और रक्षा के लिए जब जब जरूरत पड़ेगी राजपूत हमेशा खड़ा रहेगा। और क्षत्रिय कभी भी जातिवाद नहीं करता है और हम जातिवाद की बात नहीं करते हैं। अध्यक्ष महाराणा प्रताप क्षत्रिय संस्थान फतेहनगर, हम सरकार से मांग करते हैं ऐसे हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए और परिवार को आर्थिक सहायता, अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दी जाए। धन्यवाद। ग्राम लोबड़ा पंचायत में ने निर्पुण हत्या और बलात्कार हुआ पूजा भील का, जिसमें उसके माता पिता और अपराधी कमलेश को फांसी की सजा मांग के लिए आज दिनांक को हमने ज्ञापन दिया है और 14 मई तक अगर सरकार इंसाफ नहीं करेगी तो हम भील समाज एवं आदर्श समाज सभी समाज मिलके हम उन पर कार्रवाई करेंगे और उनका घर ध्वस्त किया जाएगा और उसकी ज़मीन पर कब्जा किया जाएगा और हमें पूजा भील से के लिए न्याय के लिए हम एकजुट होकर लड़ेंगे, चाहे हमें सरकार जेल भेजेगा तो हम जाएंगे। उसने 10 टुकड़े किए, हम उनके 10,000 टुकड़े करेंगे। ये हमारी अपील है भील समाज की। आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर पर सर्जरी, फिजिशियन, हड्डी रोग,
स्त्रियों से संबंधित रोगों के इलाज की सुविधा के साथ जीवन रक्षक आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे एवं ईसीजी की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आरोग्य हॉस्पिटल, उदयपुर रोड, दाल तिराहा, सलूमर। मोबाइल नंबर 9024059049 एवं 9414637172 पर संपर्क करें।